नेपाल के द्वारा भारत विरोधी नारों के साथ नेपाल के दारचूला में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें नेपाल के द्वारा भारत के खिलाफ लगातार बोला गया। विप्लव गुट ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और नेपाल के तटबंध लिम्पिया धुरा, कालापानी इत्यादि पर अपना हक जताया और तटबंध कार्य में भारत की मनमानी होना भी बताया। नेपाल के द्वारा रोटी पेटी के रिश्तों को लगातार तार तार किया जा रहा है। दारचूला नेपाल में आज विप्लव गुट के द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन किया गया, जिसमें खुले शब्दों में कहा गया कि मोदी चाहिए नहीं, ये बार संरचना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं एक प्लांडेड काम था, जिसमें इनके बैनरों में लिखा गया था लिम्पिया धुरा, काला पानी, तटबंध, भारत के द्वारा जो एक बात की जा रही है उसके विरोध में इन लोगों ने काफ़ी नारे लगाए जो कि भारत विरोधी थे। एक तरफ नेपाल रोटी पेटी के रिश्ते को कायम करने की बात करता है, इनके जिलाधिकारी मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ ये देखिए बैनर में किस तरह से इन्होंने भारत विरोधी नारे लिख रखे हैं। सदरुआ खलंगमा भारती सावदले, भारत के विरुद्ध बिल्कुल पूरा का पूरा भारत विरोधी ये जुलूस आज रहा है। देखना है कि अब इसमें भारत की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर यूं ही खामोशी बनी रहती है। और तटबंध के कार्य में लगातार इनकी आपत्तियों से धारचूला बचाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है, जिससे कि प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा कि धारचूला को बचाने के लिए इन छोटी मोटी घटनाओं की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। परंतु अगर इस तरह से कोई धारचूला नेपाल के लोग प्रदर्शन करते हैं भारत विरोधी, तो हो सकता है कि आने वाली स्थिति धारचूला भारत के लोग भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये एक सोचनीय प्रश्न होगा कि भारतीय क्या अगला कदम उठाएंगे। घटनास्थल में एसएसबी और कुमार सिंह रावत थानाध्यक्ष धारचूला व सिंचाई विभाग के लोग थे, परंतु एक मूक दर्शक की भांति वो लोग उनकी हरकतों को देखते रहे। भारत रोटी बेटी के रिश्ते को कायम कर रहा है, परंतु नेपाल के लोग कहीं न कहीं रोटी बेटी के रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धारचूला में गोरिल्लाओं के द्वारा अपना वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। आज एलआईयू के दफ्तर के बाहर गोरिल्लाओं की काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ दिखाई दी। गोरिल्ला के लोग अपने अपने फॉर्म को भर रहे हैं, जो एक फॉर्मेट है उसमें कई ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो कई सालों पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं और आज उनको सरकार की तरफ से मौका मिलना है। वो एक माध्यम बना है एलआईयू और वेरिफिकेशन लगातार सुचारू है। धारचूला में कल एपी स्कूल के समीप मिली लाश के आज शिनाख्त हुई है। उसकी शिनाख्तकरण पारकी के रूप में हुई है, जो कि पुरचुणी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका भांजा ने उसकी लाश को शिनाख्त की है। के एस कुमार ने बताया कि उसका पंचनामा भर के लाश को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। शायद ठंड लगने से उसकी मृत्यु हुई है। ये सूचना मिली कि एक आर्मी गेट के पास रास्ते में एक अज्ञात बॉडी मिली, जिस पर मौके में जाकर देखा गया तो शायद मृतक रात को ज़्यादा नशे में या ठंड के कारण से मृत्यु हुई।
उसको उठाकर अस्पताल लाया गया, मोर्चे में रखा गया। इसका नाम पता कुछ जानकारी नहीं मिली, लेकिन पंचायत नामा बटने के दौरान उनके परिजन आ गए थे, ज्ञात हुआ, नाम पता मालूम हो गया, पंचायत नामा कार्य की जा रही है और लाश के पंचायत नामा के परिजनों को। धारचूला के आपदा प्रभावितों ने आज नेत्र सिंह कुमार आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जोरदार प्रदर्शन। धारचूला के तहसील पहुंच के उन्होंने ज्ञापन दिया और जोरदार प्रदर्शन किया और ये चेतावनी दी कि जल्द से जल्द अगर एलधारा, मल्ली बाजार या खोतीला के आपदा पीड़ितों का कार्य नहीं होगा या उनको न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों को जाम किया जाएगा और बड़ा बृहद आंदोलन धारचूला में चलाया जाएगा। उप जिलाधिकारी के धारचूला में न होने से पेशकार को ही ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द एलदारा व मल्ली बाजार में कार्य नहीं होगा तो बृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शन में आपदा प्रभावित व्यापारियों के साथ साथ श्याम खरकवाल, ओपी वर्मा, प्रकाश गुंजियाल, प्रभात पायर, राजीव कोहली, नंदा विश्व लक्ष्मी गुंजियाल व समस्त लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ में अध्यक्ष व्यापार संघ भूपेंद्र थापा ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया, कमल कौशल ने भी अपना समर्थन दिया। प्रशासन को एक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के तहत जिलाधिकारी महोदया से ये अनुरोध किया है कि जो एलधारा नामक स्थान पर जो स्लाइडिंग हुई थी उससे पूरा धारचूला खतरे की जद में है। बरसात का मात्र 4 महीने का समय बच गया है। इस परिस्थिति में समय रहते अगर निर्माणदायी संस्था कार्य नहीं करती है तो निश्चित रूप से धारचूला के आने वाले टाइम पर बरसात में जब मई का महीना आएगा तो धारचूला बचना मुश्किल है, क्योंकि सबके सामने जग जाहिर है कि ऊपर बोल्डर लटके हुए हैं, थोड़ी सी भी बारिश होगी तो बोल्डर लुढ़क कर सीधे बाजार में गिरेंगे और न जाने कितना जनधन का हानि होगा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन और चेतावनी भरा ज्ञापन दिया है कि समय रहते अगर नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए और चक्का जाम के लिए भी बाध्य रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हमको न्यायालय के शरण में भी जाना पड़ेगा तो हमको जाना पड़ेगा। जग जाहिर है धारचूला और एलधारे की वजह से धारचूला जो आज पूरा आधा धारचूला मल्ली बाजार दब गया, पूरी जांच पे जांच और सर्वे पे सर्वे, ये क्या प्रशासन की नीति है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो डीएम भी इतने बार आ गए और इतने बार उप जिला अधिकारी ने भी यहाँ पे सर्वे करवा रहे हैं, कभी सर्वे करा रहे हैं, बस सर्वे ही होगा या फिर काम भी होगा। बरसात फिर से आने को है और आपदा जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, वो लोग फिर से और आजकल परेशान होने लगे हैं क्योंकि आप अब सिर्फ 3 महीने बच गए अब बरसात के। अगर ऐसे बरसात शुरू हो जाएगा और ऐसे ही प्रशासन अगर मौन धारण करेगा तो हमें जल्दी से जल्दी सारे प्रभावितों को लेकर हमें उग्र आंदोलन करने में हम लोग बाध्य होंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और उसके साथ साथ अगर शासन प्रशासन से मैं बिल्कुल एक कठोर शब्दों में एक अपने ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ कि निवेदन अब बस खत्म हो गया, आपसे अब निवेदन नहीं करेंगे। धारचूला को हर हाल में बचाना है और बचाना ही है आपको, क्योंकि अगर धारचूला बचेगा तभी शासन प्रशासन भी होगा, अगर धारचूला ही नहीं तो आप लोग भी यहाँ पे नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहूंगी आज से लगातार 3 साल हो गए हैं, 3 यहाँ पे धारचूला में उप जिला अधिकारी बदल चुके हैं, तब भी सर्वे ही हो रहा है और सर्वे ही कर रहे हैं और कह रहे कि कभी गर्ग बनाएगी, कभी कह रहे कि हिलवेज बनाएगी, कभी कह रहे कि बीआरओ बनाएगी। क्या एलधारा को खिचड़ी बनाना है? खिचड़ी बनाएगी क्या? पूरे धारचूला को दबाना है? अगर ऐसी स्थिति रही तो पूरे हम लोग गांव वाले और क्षेत्र वाले पूरे धारचूला के लोग यहां पे आके धरना दे देंगे। और कल के दिन कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी कि कहा यहाँ के उप जिलाधिकारी और शासन और प्रशासन रहेगी। और नगर पालिका तो सोई है, नगर पालिका को धक्का मारने की भी जरूरत नहीं है, धक्का भी मारेंगे नगर पालिका ना उठ रही है ना जाग रही है, सिर्फ वो।
अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बलवा कोट में ताइक्वांडो का 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्म सिंह बिष्ट ने बताया कि बलवा कोट के इंटर कॉलेज में 3 माह के लिए प्रशिक्षण चलेगा, जिसकी कार देख रेख धर्म सिंह बिष्ट करेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।